विद्यार्थी मित्रों, आज हम सजीव कोशिकाओं को अन्न द्वारा ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है यह जानने वाले हैं। पर इससे पहले कोशिकाओं को ऊर्जा की क्या जरूरत होती है यह समझ लेना जरूरी है। मान लीजिए हमारे आसपास कुछ ईंटें पड़ी है जिनका उपयोग कर हमें एक दीवार बनानी है। अब इन ईंटें को ठीक ढंग से रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर हमें इन्हें यूं ही इधर उधर फेंकना हो तो ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं। इस कारण जब हम बेतरतीब ढंग से संगठित ढंग की ओर जाते हैं तब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह भौतिक शास्त्र का नियम है। चलिए अब देखते हैं कि यह बात जैविक प्रणाली पर किस प्रकार लागू होती है। इस बात को समझने के लिए एक प्राणी को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। सोचिए कि शरीर किसका बना होता है। शरीर अलग अलग प्रकार की प्रणालियों द्वारा निर्मित होता है, जैसे पचन संस्था, मज्जा संस्था, श्वसन संस्था इत्यादि। हर एक प्रणाली विभिन्न प्रकार के अवयवों से निर्मित होती है, जैसे पचन संस्था में मुंह, पेट, अग्न्याशय, बड़ी आंतड़ी, छोटी आंतड़ी इत्यादि। अवयव ऊतकों से निर्मित होते हैं। ऊतक कोशिकाओं से बनते हैं और कोशिका सूक्ष्म अणु, प्रोटीन, कार्बोज, लिपिड से बनते हैं। सूक्ष्म अणु में भी उप इकाइयां होती है जो सामान्य यौगिक से बनती है। जो हम खाते हैं उससे ये यौगिक बनते हैं। हम देख सकते हैं कि यह व्यवस्था कितनी योग्य तरीके से रखी गई है। कोशिकाओं की योग्य व्यवस्था से ऊतकों की निर्मिति होती है। ऊतकों को योग्य तरीके से संजोने पर अवयव तैयार होते हैं। अवयवों की व्यवस्था प्रणाली तैयार करती है और इन प्रणालियों के योग्य व्यवस्थापन से हमारे शरीर के अंग की निर्मिति होती है। इस प्रकार हर एक अंग सूक्ष्म अणुओं की व्यवस्थित प्रणाली है। इन सूक्ष्म अणुओं की उनके उप इकाइयों में व्यवस्थित प्रणाली की गई है। इन उप इकाइयों में सूक्ष्म अणुओं का विभाजन होता है। एक प्रकार सूक्ष्म अणुओं को व्यवस्थित प्रणाली में रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो कोशिकाओं से शुरू होकर संपूर्ण शरीर की योग्य व्यवस्था रखती है, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सोचते हैं कि हमें चलने फिरने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर हमारे शरीर की अधिकतर कोशिकाओं में कोई गतिमानता नहीं होती। इसी कारण हमें चलने फिरने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वरना सामग्री की व्यवस्थित व्यवस्था रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें यह याद रखना जरूरी है कि हमें योग्य व्यवस्था रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अव्यवस्था के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उल्टे अव्यवस्था में ऊर्जा छोड़ी जाती है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें अन्न से ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि हमारी कोशिकाओं को अन्न से ऊर्जा मिलती है। अब हम देखेंगे कि कोशिकाओं को ऊर्जा किस प्रकार मिलती है। हम कोशिका स्तर पर श्वसन प्रक्रिया और किण्वन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्वसन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। जो अन्न हम खाते हैं आमतौर से उसका रूपांतर ग्लूकोज में होता है और हमें ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे पदार्थों में होता है। हमेशा यह याद रखें कि जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तब हम किसी चीज को घटाते हैं। इस प्रकार से ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तब कुछ एक्स घटता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए इस प्रक्रिया को विस्तार के साथ देखते हैं। कोशिकाओं द्वारा जो एक्स घटता है वह NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लोविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड नाम का अणु होता है। इस प्रकार ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है जिससे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का रूपांतरण ग्लूकोज फॉस्फेट में होता है। ग्लूकोज फॉस्फेट फ्रुक्टोज फॉस्फेट में रूपांतरित होता है। फ्रुक्टोज फॉस्फेट का रूपांतरण फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट में होता है। फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट दो अणुओं में विघटित होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फेट में। इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का भी अंत में रूपांतरण ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में होता है। ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के
छह परमाणु होते हैं और अन्य अणु में भी कार्बन के तीन परमाणु होते हैं और इस निर्मित अणु में कार्बन के तीन परमाणु होते हैं। इस कारण ग्लिसरालडिहाइड 3-फॉस्फेट के दो अणु की निर्मित होती है जिससे 3 × 2 = 6 कार्बन के अणुओं की निर्मित होती है। यहाँ NAD घटकर NADH2 बन जाता है और इस प्रकार उसमें घटौती हो जाती है। ग्लिसरालडिहाइड के दो अणु और NAD के दो अणु घटकर NADH2 के दो अणु बनते हैं जिससे हमें ग्लिसरेट प्राप्त होता है। ग्लिसरेट का रूपांतरण फॉस्फिनॉल पायरोवेट और फॉस्फिनॉल पायरोवेट पायरोवेट में रूपांतरित होता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में 2 ATP परमाणु खर्च हो जाते हैं। फ्रुटोज 1 से 6 डाइफॉस्फेट तक। चलिए अब ATP निर्माण की दो अन्य प्रक्रियाएं भी देखते हैं। जब 3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट का रूपांतरण फॉस्फोग्लिसरेट में होता है तब 1 ATP परमाणु संश्लेषित होता है। जब PEP पाइरोवेट में रूपांतरित होता है तब एक और परमाणु संश्लेषित होता है। इस प्रकार ATP के दो परमाणु संश्लेषित होते हैं। हालांकि 2-डाइफॉस्फोग्लिसरेट और 2 PEP एक ग्लूकोज से निर्मित होते हैं। इस प्रकार ATP के 4 परमाणु तैयार होते हैं। अतः ग्लूकोज का पाइरोवेट में रूपांतरण होते समय 2 ATP परमाणु खर्च होते हैं। 4 ATP परमाणुओं की निर्मित होती है। देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में कोशिका को क्या मिलता है। कोशिका को ATP के 2 परमाणु, NADH2 के 4 परमाणु और पाइरोवेट के भी 2 परमाणु मिलते हैं। अब कोशिका के पास NaHD2 के परमाणु है। इस समय हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 NADH2 परमाणु है। अब जब तक 2 NADH2 का रूपांतरण फिर से NAD में न हो जाए तब तक वह कोशिकाओं के लिए यह समस्या उत्पन्न करेगा। बाहर से ग्लूकोज कोशिकाओं में निरंतर आता रहता है पर कोशिका में NAD सीमित मात्रा में होता है। अतः जब तक NADH2 का रूपांतरण पुनः एक बार NAD में न हो ग्लूकोज के परमाणुओं पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। या इसी कारण ऑक्सीजन घटकर पानी में बदल जाता है और NADH2 का NAD में ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पर कोशिकाओं को ग्लूकोज के समान ऑक्सीजन भी निरंतर प्राप्त होता रहता है। कोशिकाओं के स्तर पर यह ऑक्सी श्वसन है। कुछ सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रेट और सल्फेट का उपयोग करते हैं। इसी कारण इनमें जब NADH2 का ऑक्सीकरण NAD में होता है तब नाइट्रेट और सल्फेट क्रमशः नाइट्राइट और H2S में घट जाते हैं। इसे एनोक्सी श्वसन कहते हैं। अतः ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन घटता है। वही दूसरी ओर अनऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन से भिन्न अजैविक पदार्थों में घटौती होती है। NADH2 के ऑक्सीकरण से ATP के 3 परमाणु तैयार होते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो घटकर पानी में बदल जाए जिस कारण NADH2 का NAD में रूपांतर हो जाए। आसान सी भाषा में O2 H2O में बदल जाता है। अगर ऑक्सीजन कोशिका में न हो तो वह बाहर से आ सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिससे NADH2 का ऑक्सीकरण NAD में होता है। ऑक्सीकरण की इस प्रक्रिया में कोशिका ATP के 3 परमाणुओं को संश्लेषित करती है। इस प्रकार हमें ATP मिलता है और इसके प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह कोशिका स्तर पर होता है और इसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। शारीरिक स्तर पर श्वसन प्रक्रिया में हम नाक और फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया शारीरिक स्तर पर होती है और शरीर द्वारा कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि किण्वन प्रक्रिया क्या होती है। यह और एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनऑक्सी श्वसन में नाइट्रेट या सल्फेट जैसे अजैविक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किण्वन में जैविक पदार्थ होते हैं जैसे पाइरुविक अम्ल जो लैक्टिक अम्ल में बदलता है अर्थात NADH2 NAD में बदलता है और पाइरुविक अम्ल
लैक्टिक अम्ल में, क्या कोशिकाओं में पाइरूविक अम्ल अधिक मात्रा में होता है या NADH2 के समान कम मात्रा में होता है? अधिक मात्रा में होता है क्योंकि पाइरूविक अम्ल ग्लूकोज से मिलता है। हमने इससे पहले देखा था कि ग्लूकोज अंत में पाइरूविक अम्ल में बदल जाता है, इसी कारण जितना अधिक ग्लूकोज होगा उतनी ही अधिक मात्रा में पाइरूविक अम्ल मिलता रहेगा। इसी कारण हम कह सकते हैं कि पाइरूविक अम्ल बहुत अधिक मात्रा में होती है जिससे हम लैक्टिक अम्ल मिलता है। कभी कभी हम एसिटाइल्डिहाइड का भी उपयोग करते हैं जिसे अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार एसिटाइल्डिहाइड अल्कोहल में और NADH2 का NAD में ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार NAD ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए हमेशा उपलब्ध होता है क्योंकि उनका पुनर्निर्माण किया जाता है। NAD का NADH2 में रूपांतरण ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से होता है। सोचिए एसिटाइल्डिहाइड कहाँ से आता है? एसिटाइल्डिहाइड पाइरूविक अम्ल से आता है। पाइरूविक अम्ल कहाँ से आता है? वे ग्लूकोज से आता है और ग्लूकोज विपुल मात्रा में है। ग्लूकोज से हमें पाइरूविक अम्ल मिलता है, इसी प्रकार पाइरूविक अम्ल भी विपुल मात्रा में है और पाइरूविक अम्ल से एसिटाइल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसी कारण वे भी विपुल मात्रा में है। इसी कारण ग्लाइकोलाइसिस यह मुख्य प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विघटन होकर पाइरूविक अम्ल प्राप्त होता है और NAD NADH2 में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में कुछ ATP भी निर्मित होते हैं और उसके बाद NADH2 का NAD में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की मदद से और अनॉक्सी श्वसन में नाइट्रेट सल्फेट द्वारा NADH2 का हर एक परमाणु पुनः NAD में परिवर्तित होते हैं और 3 ATP परमाणु निर्मित होते हैं। इस प्रकार कोशिका ऊर्जा प्राप्त करती है। इस बात का ख्याल रखें कि किण्वन प्रक्रिया में NADH2 का रूपांतर NAD में होता पर इस प्रक्रिया में ATP अणु नहीं तैयार होते हैं। इसी कारण किण्वन से कोशिकाओं को कम ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अब ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का सारांश एक समीकरण के रूप में देखते हैं। चलिए ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन की परिभाषाओं का सारांश एक बार फिर दोहराते हैं। जब हम कहते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है और ऑक्सीजन की घटौती हुई है तब उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाएगा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कुछ अजैविक पदार्थों जैसे नाइट्रेट सल्फेट की घटौती होती है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। किण्वन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और पाइरूविक अम्ल या एसिटाइल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और उसी ग्लूकोज का रूपांतर अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल में होता है।